20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल, 27 अप्रैल और अब आज यानी 11 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की 5वीं बैठक होने जा रही है। लॉकडाउन के तीसरे चरण की मियाद 17 मई को पूरी हो रही है। उससे पहले देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। पहला सत्र 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा। दूसरा सत्र शाम 6 बजे से शुरू होगा, फिर निष्कर्ष तक बैठक जारी रहेगी। 47 दिन लॉकडाउन के पूरे हो गए हैं। मरीजों की तादाद 60,000 से ज्यादा हो गई है। संक्रमण की रफ्तार अब भी जोरों पर है। ऐसे में मुख्यमंत्रियों के साथ ये मंथन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री इस बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्रियों की राय जानना चाहेंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि संक्रमण के खतरे के बीच लॉकडाउन में कितनी ढील दी जाए, छूट किन हालात में मिले, कौन से इलाके रेड जोन रहें, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही समझा जा रहा है कि इस बैठक में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और देश में ठप पड़े काम धंधों को चालू करने का मुद्दा उठेगा। 25 मार्च से लागू लॉकडाउन की वजह से तमाम मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने नियमों में छूट देने की मांग की है। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार आज कोरोना के केसेस को डील करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो हम उस थोड़े बहुत केसेस बढ़ेंगे, अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो उस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से आज दिल्ली सरकार तैयार है। हिमाचल एक सेफ स्टेट है जहां कोरोना वायरस का उतना इम्पैक्ट नहीं है, असर नहीं है। पूरे देश भर से या पूरे प्रदेश के बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है फिर टूरिज्म की दृष्टि से जो है हिमाचल प्रदेश में आएंगे और हम उनके लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो मदद कर सकते हैं उस दृष्टि से और इस इंडस्ट्री को उठाने के लिए जो मदद कर सकते हैं वो काम करने की हम कोशिश करेंगे। इससे पहले रविवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर कोरोना के हालात पर चर्चा की है। इस दौरान राज्यों ने अहम राय रखी है।